दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और पहले दिन के खेल में भारतीय टीम पीछे चल रही थी तो वहीं दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की है और भारतीय टीम तीसरे दिन साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। और चलिए दोस्तों आपको बताते हैं तीसरे दिन का खेल किस प्रकार हो सकता है, लेकिन उससे पहले अजिंक्य रहाणे और पुजारा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस मैच में अनफिट होने के कारण नहीं खेल रहे हैं, जिसके कारण उनकी जगह कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं और उनकी टीम की प्लेइंग 11 में विराट कोहली की जगह है हनुमा विहारी को शामिल किया गया है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम में क्विंटन डिकॉक की जगह कायली वर्ने और मुल्डर की जगह ओलिवर को टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, जिन्होंने मैच की पहली पारी में शतक की साझेदारी की और मयंक अग्रवाल ने 60 रन बनाए तो वहीं केएल राहुल ने अपना 7वां शतक भी जड़ा था जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए थे। और वहीं दूसरे मैच में सबसे पहले मयंक अग्रवाल ने दूसरे ही ओवर में अपना खाता खोल लिया था और ओलिवर को 2 चौके जड़ दिए थे और इसके बाद अगले ही ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया जिसकी बदौलत मयंक अग्रवाल ने T20 बल्लेबाजी का रूप धारण कर लिया। तो वहीं केएल राहुल ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अपना खाता 1 रन के साथ खोला। तो वहीं 8वें ओवर में एक ड्रामा देखने को मिला जिसमें 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ओलिवर की गेंद पर फंसते हुए दिखाई दिए थे। साउथ अफ्रीका ने DRS भी ले लिया था लेकिन राहुल नॉट आउट हो गए। इसके अगली ही 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका के जले पर नमक छिड़क दिया। तो वहीं 15वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने अपना विकेट मार्को जेनसन को दे दिया और 36 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने 24 ओवर में ओलिवर की तीसरी गेंद पर 35 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पूर्व भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ओलिवर की चौथी गेंद पर अपनी पहली ही गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो ओलिवर का 50वां विकेट था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा विहारी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे जिसमें राहुल के 19 हनुमा विहारी के 4 रन शामिल हैं। जिसके बाद दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो लगातार 27वां 28वां और 29वां ओवर मेडन डाला गया और इसके बाद हनुमा विहारी और केएल राहुल दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और 41 रन की शानदार साझेदारी की। लेकिन उसके बाद 39वें ओवर में हनुमा विहारी 55 गेंद खेलकर 20 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से रबाडा का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए, लेकिन कुछ ही समय बाद 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना 13वां अर्धशतक जड़ा और फिर कप्तानी पारी भी खेली। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में 5वीं गेंद पर केएल राहुल 133 गेंदों पर 50 रन 7 चौकों की मदद से बनाकर अपना विकेट मार्को को दे बैठे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत के प्रमुख ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और उन्होंने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और 10 रन 2 चौकों की मदद से बनाए और एक तेज तर्रार पारी की शुरुआत की। और दूसरे सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 51 ओवर में 146 रन 5 विकेट पर बना लिए थे और जिसमें ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 13 रन बनाए और रविचंद्रन अश्विन 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर 4 चौकों की मदद से नाबाद खड़े रहे। और इसके बाद तीसरे सत्र के प्रारंभ होने के बाद भारतीय टीम जब उतरी तो 54 ओवरों में ऋषभ पंत को 45 गेंद पर 17 रन बनाकर मार्को जेनसन ने आउट कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर बिना रन बनाए ओलिवर का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी की और मोहम्मद शमी ने अपना विकेट 60 ओवर में रबाडा को दे दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह और आते ही 62वें ओवर में रबाडा को रिमांड पर ले लिया और उन्होंने उनके ओवर में 14 रन ठोक दिए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो वहीं 63वें ओवर में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए और 1 रन बनाकर रबाडा के शिकार हो गए और इसके बाद रविचंद्रन अश्विन का मार्को जेनसन के द्वारा आउट होना बहुत ही घातक साबित हुआ और इनके आने का कारण रविचंद्रन अश्विन का मार्को जेनसन के द्वारा आउट होना है जिसमें अश्विन ने एक बहुत ही बेहतरीन एक दिवसीय बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 46 रन 6 चौकों की मदद से बनाए जिसमें टीम ने सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 11 गेंदों में 14 रन बनाए और 2 चौके और 1 छक्के की मदद से T20 पारी खेलकर नाबाद रहे और इसके बदौलत भारतीय टीम ने 202 रन पर अपने सभी विकेट खो दिए और ऑल आउट हो गई। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मार्को ने 4 विकेट लिए और रबाडा और ओलिवर ने 3-3 विकेट लिए। इन तीनों गेंदबाजों ने 17-17 ओवर गेंदबाजी की। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 4 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 14 रन 1 विकेट के नुकसान
स्थान पर बना दिए, जिसमें मार्करम 14 गेंदों पर 7 रन एक चौके की मदद से बनाकर शमी का चौथे ओवर में शिकार हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए पीटरसन ने 39 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाए। तो वहीं कप्तान डीन अलगर ने 57 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाए। और वहीं दोनों ही खिलाड़ी दिन के अंत तक नाबाद खड़े रहे और साउथ अफ्रीका की टीम ने दिन के अंत तक 35 रन पर 1 विकेट गंवा दिया और 167 रन से पीछे। तो वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो दूसरे दिन का पहला चौका 22वें ओवर में बुमराह की आखिरी गेंद पर पीटरसन ने लगाया। तो वहीं 29वें ओवर में 2 चौका लगाकर पीटरसन ने भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। और इसके बाद 39वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को डीन अलगर की 28 रन पर विकेट मिल गया और डीन अलगर 128 गेंदों पर 28 रन 4 चौकों की मदद से बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए वेंडर हुसैन और वहीं 40 ओवर की पहली गेंद पर पीटरसन ने अपना अर्धशतक जड़ा और वहीं दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने पीटरसन को 118 गेंदों पर 62 रन 9 चौकों की मदद से बनाने के बाद आउट कर दिया। और उसके बाद 45वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने वेंडर हुसैन को 1 रन बनाने के बाद आउट कर दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेंबू भावुमा और काइली वर्ने बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोनों ने मिलकर 60 रन की बेहतरीन साझेदारी की। तो वहीं वर्ने ने अपना विकेट 21 रन 2 चौकों की मदद से बनाकर शार्दुल ठाकुर को दे दिया। तो वहीं इसके बाद तेंबू भावुमा ने अपना विकेट 51 रन 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाकर शार्दुल ठाकुर को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रबाडा 0 रन बनाकर शमी का शिकार हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज और मार्को जेनसन और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को भारतीय टीम के स्कोर के बराबर 73वें ओवर में पहुंचा दिया। और मार्को जेनसन और महाराज दोनों ने ही 21 रन बनाए और लुंगी एंगिदी को 0 रन पर शार्दुल ठाकुर ने आउट कर दिया। और इसी के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम 228 रन पर ऑल आउट हो गई। और इसके साथ ही भारतीय टीम 26 रन पीछे है और तेज गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो वहीं बुमराह ने 1 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने भारतीय टीम दूसरी पारी में उतरी तो अभी 7 ओवर के अंत तक 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिया, जिसमें राहुल ने 8 रन बनाए और अपना विकेट मार्को जेनसन को दे दिया। तो वहीं मयंक अग्रवाल ने 4 चौकों की मदद से 16 रन नाबाद बनाए और बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा मैदान पर आए। तो वहीं 13वें ओवर में मयंक अग्रवाल 35 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर ओलिवर का शिकार हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने पुजारा के साथ मिलकर दिन के अंत तक 40 रन की बेहतरीन साझेदारी कर डाली, जिसमें पुजारा ने 18 और 20 ओवर में 2 चौके जड़कर तेज तर्रार शुरुआत की। तो वहीं दिन के अंत तक भारतीय टीम 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है, जिसमें रहाणे ने 22 गेंदों पर 11 रन 1 चौके की मदद से नाबाद बनाए। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 42 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 35 रन बनाए। तो वहीं तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम दूसरी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 400 के आसपास रन बना सकती है, जिसमें अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा में से कोई एक बल्लेबाज बड़ी पारी खेल सकता है या फिर दोनों ही बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। और दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को 350 रन का लक्ष्य दे सकते हैं। दोस्तों अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा में कौन अर्धशतक या फिर शतक मारेगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।